लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ मैं, मुझसे सच सुनना है तो सुन। कैसा सच? तुम्हारी बहन को किसी और ने नहीं, वलीशाह ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ये गुलखान और वलीशाह की साजिश थी कि अपने हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पहनकर तुम्हारी बहन को मारा जाए ताकि तुम बागी होकर विजय को मारो। ये झूठ है, झूठ बोल रहे हो तुम। सच है। सच है? ओ मेरे अल्लाह, कहीं मेरे हाथों से गोली चल गई होती तो विजय का क्या होता? सर, मेरा जो होना है वो होकर रहेगा। जिस दिन घर छोड़ के फौज से नाता जोड़ा था, मौत को तभी अपना साथी बना लिया था। तुम समझते क्यों नहीं विजय? वलीशाह मंत्री साहब को धमकी दे चुका है, 5-5 जिंदगियों का सवाल है। कर्नल, सवाल 5 जिंदगियों का नहीं, सवाल मेरे बेटे की जिंदगी का है। अलीशाह को उसके भाई वलीशाह के हवाले कर दो ताकि मेरा बेटा विक्की मुझे वापिस मिल जाए। वाह, फौज की आन चली जाए मगर मंत्री के बेटे की जान न जाए। विजय, सर हम फौजी अपनी जान पर खेलकर देश के दुश्मनों को पकड़ते हैं ताकि उन्हें सजा मिल सके। सर, वो भी तो किसी का बेटा होता है जो आतंकवादियों के गोलियों का निशाना बनता है। जो फौजी इस राह पर शहीद होता है वो भी तो किसी का बेटा होता है। सर, आप इस सौदेबाजी को रोकिए, मैं सबको बचा कर लाऊंगा। विजय, सर क्या ऐसा शक हुआ है कि मैं आपकी कसौटी पे खरा ना उतरा हूं? हेलो, पहचाना मुझे? मैं वलीशाह बोल रहा हूं। वलीशाह? हाँ। वो क्या है कि वो? वलीशाह, हेलो वलीशाह, मैं मंत्री सज्जनलाल बोल रहा हूँ, तुम मेरे बेटे विक्रम को छोड़ दो। मिनिस्टर सज्जनलाल, छोड़ दूंगा लेकिन पहले मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मेरा भाई? तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? ले बात कर, बात कर, ले। हेलो पापा, बेटा बेटा तू ठीक तो है बेटा? पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। पापा पापा, ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं। पापा मुझे इन जंगलियों से बचा लीजिए प्लीज। जंगली? नहीं नहीं प्लीज, मेरे बेटे को मत मारो। मिनिस्टर सज्जनलाल, तुम जैसा कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। मेरे बेटे को मत मारो। मुझे मेरा भाई कल शाम सूरज डूबने से पहले तक वापस चाहिए मिनिस्टर। और हाँ, मुझे मेरी मोमबत्ती, मेरी रोशनी भी चाहिए। रोशनी? ये रोशनी कौन है? एक अनाथ लड़की। अनाथ है ना? हाँ हाँ, तुम्हें रोशनी भी मिल जाएगी और तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। कल शाम सूरज डूबने से पहले तक, समझा? वरना सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, मेरा मतलब है नमस्ते। वाह मंत्री वाह, एक ने सलाम अलैकुम किया और एक ने नमस्ते, सौदा हो गया, देश बट गया। अगर कानून में यह लिखा होता कि हर हिंदुस्तानी जय हिंद बोलेगा तो ये नौबत ही ना आती। और मंत्री, तू सौदागर ही नहीं, तू तो दलाल भी है। एक हाथ से देश का सौदा किया और दूसरे हाथ से अनाथ रोशनी की दलाली की, तू दलाल है दलाल। तूने मुझे गाली दी, एक मंत्री को गाली दी। यू सन ऑफ ए बिच, तू चल जा। मंत्री विजय, तू ये भूल रहा है, फौजी अपनी मां से पहले भारत मां का बेटा होता है। तूने भारत माँ को गाली दी है, भारत माँ को गाली दी है। विजय रुको, तेरे जैसे भारत माँ के दलालों ने देशभक्ति को जलालत के नीलाम घर में खड़ा कर दिया है, नीलामी के लिए। विजय, कर्नल इसको गिरफ्तार कर लो, ये एक मंत्री को मार रहा है।
जो भी भारत माँ को गाली देगा मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो ये मंत्री हो या कोई और हो। सोल्जर्स, सोल्जर्स, अरे स्टीव, बंद कर दो इसे क्वार्टर गार्ड में, इसका कोर्ट मार्शल होगा। पिताजी अब क्या होगा? बहू, अब कर्नल मोहनदास के एक्शन करने का वक्त आ गया है। विजय साहब के साथ तो बहुत बुरा हुआ यार। ये बात सुनकर हम खुश हुए, तुम भी मानते हो ना? मानता तो हूँ, लेकिन आपकी तारीफ। मैं विजय का दादा हूँ। ओह दादाजी, मेरे पोते से सारे लोग जलते हैं, उन्हें डर लगता है कि ये कहीं मेजर बन जाएगा। बनेगा ना? जरूर बनेंगे सर। अरे तूने मेरे जवान बुढ़ापे को और भी जवान कर दिया है, मेजर के बाद वो कहते हैं कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा, बनेगा ना? बिल्कुल बनेंगे सर। हाय, मेरे जवान बुढ़ापे को तुमने और भी जवान कर दिया है, खुश की ताई। उसके बाद वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बन जाएगा, कर्नल से ब्रिगेडियर बन जाएगा, ब्रिगेडियर के बाद फिर बड़ा ऑफिसर बनेगा, उससे बड़ा ऑफिसर बनेगा, उससे बड़ा ऑफिसर बनेगा, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बन जाएगा। बनेगा ना? बिल्कुल बनेंगे सर। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के लिए पता है मैं क्या करता? मुझे तो पता नहीं सर, आप बताइए ना क्या करते। मैं नमूने के तौर पर तुम्हें बताता हूँ, उदाहरण के तौर। जी, तुम मुझे अपनी चाबियां दो। चाबियां? ये लीजिए सर। हाँ, तो मैं तुमसे ये चाबियां लेता इस तरह, उसके बाद मैं फटाफट जाकर ताला खोलता इस तरह, उसके बाद दरवाजा खोलता इस तरह। दादाजी, एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। कैसा रहा नमूना? वाह, क्या नमूना है सर। अब इसके बाद पता है मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे सर? मैं इसे एक पिस्तौल दूंगा। पिस्तौल देंगे? और कहूंगा भाग पोते भाग। पकड़ो इसे, भाग गया। खबरदार, जरा भी हरकत की तो भून के रख दूंगा। जरूर गड़बड़ है, आइए। विजय, तुम्हें पता है कि मेरे एक ही ऑर्डर से क्या हो सकता है? गोलियों की बरसात हो सकती है, मैं छलनी छलनी हो सकता हूं, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि अलीशा मेरे कब्जे में है। अगर गोलियां चली तो सबसे पहले मैं अलीशा को मारूंगा, अगर ये मरा तो इसका भाई वलीशा मंत्री जी के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं कर्नल, अपने फौजियों से कहो कि हथियार डाल दे, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, ये मेरा दावा है और वादा भी, मैं सबको छुड़ा कर लाऊंगा और अली शाह को उनके हवाले भी नहीं करूंगा। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं अपने आप को खुद आपके हवाले करूंगा, फिर चाहे फांसी भी लगवा दें कोई गम नहीं होगा। नहीं बोते, फांसी तो कपूतों को लगती है, धरती मां के सपूतों को तो विजय की जयमालाएं पहनाई जाती हैं। चल जल्दी, चलो चलो बैठो, चलो गुलरोश, चलो चलो। हे भगवान, इनकी रक्षा करना भगवान। दादाजी, ये हमारे हर मुश्किल ताले की चाबी है। मत भूलो पोते, इसका पहरेदार मैं हूं। चलो गुलरोश। कहा विजय, कहा? हर ठिकाने तो ढूंढ मारा है, वलीशा ने पता नहीं उन्हें कहां छुपा रखा है। कमबख्त मोबाइल फोन पे भी शीतल से कांटेक्ट नहीं हो रहा। खैर, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, चाहे पाताल की गहराई में क्यों ना हो, हम शीतल को ढूंढ निकालेंगे। चलो। लाहौल विला कोट, पेट्रोल को भी यही खत्म होना था, अब क्या करें? हेलो, हेलो विजय। हेलो शीतल। हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम लोग? विजय, विजय हम यहाँ वलीशा के कैद में हैं। मगर कहाँ? हम इस वक्त बारामूला के आगे पाकिस्तान बॉर्डर के पास गुलफाम बंगले में हैं। बारामूला से आगे पाकिस्तान बॉर्डर गुलफाम बंगला? मैं जानता हूँ। ठीक है विजय, ध्यान से
बंगले के चारों तरफ बारूद बिछा हुआ है और माइंस खुदी हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, हमारे वहाँ पहुँचते तक तुम उनका जितना वक्त बर्बाद कर सकती हो करो। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बस शीतल, हम लोग बारामूला पहुँचे के पहुँचे। ओके बाय। ये बारामूला मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? तुम ये जगह जानते हो? वलीशा समझता कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जगह जानता हूँ। वहाँ पहुँचने के दो तरीके हैं, एक पहाड़ी के ऊपर से और एक पहाड़ी के पीछे से। ठीक है, एक रास्ते से तुम जाओ और दूसरे से मैं। ठीक बात है। लगता है झंडे को इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। हमारा भाई अलीशा को फौजी विजय भगा कर ले गया, लेकिन उसने ऐसा करके तुम सब की जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दी है। मैं तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा जो पूरे हिंदुस्तान के लिए सबक होगी। शीतल कहां है? शीतल? वो बेचारी तो एक एक सांस के लिए तड़प रही है, एक एक सांस के लिए। हाँ एक घंटे के अंदर वो दम तोड़ देगी। वलीशा, उससे पहले तू मर जाएगा। मर गए मुझे मारने वाले। तुझे मारने वाला भी जिंदा है। हथियार फेंको सर, हथियार फेंको, हथियार फेंक दो। अपने आदमी से कहो इन्हें खोल दे। खोल दो, सबको खोल दो, खोल दो। लॉन्ग लिव इंडियन आर्मी एंड लॉन्ग लिव विजय। कम ऑन। अब आई शरम, एक है बाबू और एक है तू, मंत्री का बेटा। भाड़ में क्या मैं और भाड़ में क्या मंत्री? शीतल कहाँ है? मैंने पूछा शीतल कहाँ है? शाबाश रशीदा, शाबाश। ए रशीदा, भून डाल इसको। कुर्रुश, बोल शीतल कहाँ है? मेरी बहन नूर के कातिल, बोल शीतल कहाँ है? बोल। गुलरोश, रोशनी, रोशनी बाबू, अभी रोशनी मुझ चली है। नहीं रोशनी, जाओ बाबू, शीतल दीदी को ढूंढ कर बचा लो। जाओ बाबू, आपको यह जंग जीतनी है। रोशनी, रोशनी, जाओ बाबू। रोशनी, हाँ मुझे यह जंग जीतनी है। ए फौजी, चलो हट। चम्मा हर रंग में चलती है सहर होने तक, चलो उधर। ये ठोस ठोस पटाखे का तमाशा बहुत हो गया रे फकीरा, रॉकेट लॉन्चर लगा और उड़ा दे इन सबको, उड़ा दे सबको फकीरा। जय हिंद कर्नल ज्ञानचंद। जय हिंद मोहनदास
तुम? हाँ ज्ञानचंद, अपने पोते के नक्शे कदम पर हूं। बोल वलीशा, शीतल कहाँ है? तो ये है वलीशा। मैं जरा इसका कोर्ट मार्शल तो कर लूं। बोल शीतल कहाँ है? बोल शीतल कहाँ है? वलीशा! कुलरोश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्या कैसे? जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम जैसे पापी बेटे की मौत बाप के हाथों ही होनी थी। आज मेरे सर से तुम्हारे पापों का कर्जा उतर गया। अरे वाह वाह वाह, तेरे हाथ में भी बंदूक है, मेरे हाथ में भी बंदूक है। फिर ये ले मेरी बंदूक और ये दे तेरी बंदूक। अब मेरे हाथ में भी बंदूक है, तेरे हाथ में भी बंदूक है। फर्क इतना है कि वो बंदूक खाली है और ये भरी हुई है। विजय, जाओ जाओ, तुम अपनी शीतल को बचा लो, मैंने देख लूंगा, जाओ। थैंक यू विकी, गुड लक। बोल। अरे मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं बताता हूँ शीतल कहाँ है। कहाँ है शीतल? चलो मेरे साथ। चल चलो। शीतल, शीतल, विजय, शीतल, उठो शीतल, उठो। दादाजी, दादाजी, आप लोग शीतल को संभालिए, मैं वलीशा को देखता हूँ। शीतल, शीतल। दादाजी। मोहनदास, मेरी बेटी मिल गई। मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी कहो ज्ञानचंद। मिला हाथ। मैं हाथ नहीं मिलाता, गले मिलता हूँ। विजय ने कमाल कर दिया। पोता किसका है? वलीशा, ये वही झंडा है जिससे तूने मेरी बहन नूर को मारा था। आज मैं तुझे इसी से मारूंगा। ये लीजिए आपका कैदी अलीशा। मैंने आपसे वादा किया था ना सर, सबको छुड़ा कर लाऊंगा और आपका कैदी भी आपको वापस करूंगा। अब चाहे आप मेरा कोर्ट मार्शल कर लीजिए। थैंक यू विजय, थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। विजय, मुझे तुम पर फक्र है। और मुझे फक्र है इन सब पर। मुझे फक्र है अपने दादा पर, दादा द ग्रेट। यस, दादा द ग्रेट। दादा द ग्रेट नहीं, इंडिया द ग्रेट, इंडिया द ग्रेटेस्ट। इसीलिए सब मिलकर बोलो जय हिंद, जय हिंद।